दोस्तों जो आप लोग स्टार्टिंग में जो स्टेटस देखे दोस्तों उस प्रकार के स्टेटस आप भी क्रिएट करना चाहते हैं अपना या किसी अपनी गर्लफ्रेंड के फोटो लगाकर, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए। बहुत इजी स्टेप मैं बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे इसको करना है, ठीक है। सो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चले जाना है और यहाँ पे सॉन्ग बीट मार और से फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, दोनों को क्लिक करके आपको इंपोर्ट कर लेना है अपने अलाइट में। इंपोर्ट करने के बाद दोस्तों आपको इस प्रकार से इंटरफेस मिल जाएगा, भोजपुरी सॉन्ग बीट मार और भोजपुरी से की इफेक्ट आपको ये दो चीज़ मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर से की इफेक्ट आपको यहाँ पे छह इफेक्ट टोटल मिलेंगे जो आपको न्यू न्यू इफेक्ट क्रिएट किया गया है आज के वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले भोजपुरी सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना है और दोस्तों यहाँ पे फोटो लगाने के लिए बैक करके प्लस एंड क्लिक करना है, 9.16 का रेशियो लेना है, क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करके प्लस एंड क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, मीडिया जाने के बाद फोटो लेना है और यहाँ पे फुल स्क्रीन में कर लेना है, उसे बैक करके शेयर कैप में क्लिक करके फ्रेम में पीएनजी कर लीजिएगा एक फोटो को। करने के बाद इसको फिर से प्लस एंड क्लिक करके 4.5 का रेशियो लेना है, क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करके फिर से प्लस एंड क्लिक करके मीडिया पर जाके फिर से आपको एक फोटो को ले लेना है इस साइज में। तो यहाँ पर देख साइज में लेने के बाद पहले इसको फुल स्क्रीन में कर लेना है, उसके बाद आपको इस साइज में लेना है। तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर शेयर को फिर से सेव कर लीजिएगा, आपको फोटो दो फोटो को आपको सेव करना रहेगा, ठीक है, 9.16 के रेशियो में एक 4.5 के रेशियो में, ठीक है। उसके बाद ये दो प्रोजेक्ट बन जाएगा, इसको दोनों प्रोजेक्ट को यहाँ पर क्लिक करके डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर भोजपुरी सॉन्ग बीट मार्क में फिर से आ जाएंगे और दोस्तों इस प्रकार से आपको इंटरफेस नज़र आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ग्रुप पर क्लिक करना है और एडिट ग्रुप पे आ जाना है। एडिट ग्रुप पे आने के बाद यहाँ पर फिर से आपको ग्रुप एंड मार्क्स में मिलेगा, फिर से क्लिक करना है, फिर से एडिट ग्रुप पे आ जाना है। एडिट ग्रुप पे जाने के बाद यहाँ पर फिर से बिना स्टेटस टैग मिलेगा, इस पर क्लिक करके 4.5 के रेशियो में जो अपने फोटो लिया है उस फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ 4.5 के रेशियो में जो अपने फोटो यहाँ पर लिए होंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये फोटो लिया, प्लस में क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पर देख सकते ये ऊपर हो जाए, तो मोबाइल टाइम से जाके इसको नीचे कर देना है। इस प्रकार से अपने हिसाब से एकदम बैठा लेना है, आप एडजस्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद बैक कर देना है, उसके बाद यहाँ से बैक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं फोटो लग चुका है, लेकिन बैकग्राउंड में जो लिख रहा है VST उसको हटा के अपना फोटो लगाना है। इसके लिए क्या करेंगे, जो सॉन्ग के ऊपर ये मिल रहा है इस पर क्लिक करना है, कलर स्क्रीन जाके फिर से इस पर क्लिक करके जो आपने 9.16 के रेशियो में अपने फोटो जो लिया उस फोटो को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने फोटो लिया और यहाँ पे मैं 9.16 के रेशियो मान लीजिए फोटो लिया, प्लस में क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस नज़र आएगा। इस प्रकार से देख सकते हैं बहुत ही यूनिक तरीके से इफेक्ट लग रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 1.09 से यहाँ से आप फोटो लगाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग फोटो लगाते हैं, एक फोटो लगाते हैं, प्लस में क्लिक करके मीडिया जाकर कोई भी फोटो यहाँ पे ले लीजिएगा और इसको फुल स्क्रीन में कर लेना है और इसके बाद कट कर देना है बिट के हिसाब से। कट करने के बाद यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, बैक करके सेक इफेक्ट में आइएगा। तो ये जो फर्स्ट लाइफ इफेक्ट मिल रहा है इस प्रकार से इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे वो छोरी सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना है। दोस्तों आपने यहाँ पर जो इफेक्ट लगाया हुए हैं आपने यहाँ पे इस पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करके इसको पेस्ट इफेक्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट इफेक्ट करने के बाद आपको दोस्तों ये वाला इफेक्ट आपको देखिए एकदम चलते फिरते यहाँ तक आपको लगा लेना है, यहाँ तक, ठीक है, 8.01 तक लगा लेना है इसी वाला इफेक्ट को। आगे भी सारे फोटो ये बीट के हिसाब से लगाएगा तो इसी वाला इफेक्ट को यहाँ से पेस्ट करते आपको यहाँ तक चले जाएंगे, ठीक है। चले आएंगे तो यहाँ पर आपको फिर से टूल लिख देगा, तो फिर से प्लस क्लिक करके मीडिया पर जाके आपको यहाँ पर भी फोटो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको भी फुल स्क्रीन में कर लेना है, कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ से बैक करके इससे इफेक्ट में आ जाना है और यहाँ पर दूसरा इफेक्ट मिल रहा है ये वाला, इस पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद बैक करके फिर से आपको पूरी सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना और यहाँ पर जो टू लिख रहा है इस पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करके इसको भी पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। पेस्ट इफेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर तीसरा मिल रहा है तो फिर से फोटो लगा लीजिएगा। फोटो लगाने के बाद आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसको भी फुल स्क्रीन में कर लेना है, कट कर देना है, बैक करके बस सेकंड इफेक्ट में आ जाना है। और जो तीन नंबर पे ये वाला इफेक्ट मिल रहा है तीसरा नंबर पे फोटो, इस पर क्लिक करके इफेक्ट को कॉपी कर लीजिएगा तीन नंबर वाले पे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर फिर से सॉन्ग बीट मार्क पर आकर फिर से आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आप देखिए तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अपना फोटो लगाना है, यहाँ पर जो 11.10 प्लस में क्लिक करके मीडिया पर जाके आपको फोटो लेना है। फिर से फोटो लेने के बाद फुल स्क्रीन में इसको भी कर लेना है। और दोस्तों आपने कौन सा अभी एक फर्स्ट वाला इफेक्ट यहाँ पर लगाया और यहाँ पर दूसरा लगाया और फिर यहाँ पर तीसरा लगाया, ठीक है। अब उसके बाद नंबर आता है चौथा इफेक्ट को, तो बैक करके सेकंड इफेक्ट में आ जाएंगे और जो चार नंबर पर इफेक्ट रहेगा ये वाला
इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। चौथा इफेक्ट कॉपी करके बैक कर देंगे, बैक करेंगे भोजपुरी सॉन्ग बीट मार्क में आ जाएंगे। और चौथा इफेक्ट देखिए दोस्तों कहाँ से कहाँ तक लगेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चौथा इफेक्ट आपको यहाँ से 14.19 तक लगेगा, ठीक है। 14.19 आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ तक लगेगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करिएगा और 14.19 यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ तक को लगाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा फोटो लगाना है, प्लस क्लिक करिए मीडिया जाके, फिर से आपको दूसरा फोटो यहाँ पर सेलेक्ट करके कट कर देना है, ठीक है सर। यहाँ से दूसरा फोटो लगेगा 14.19 से, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा इफेक्ट लगेगा तो बैक करके आपको इससे डिफरेंट चाहेंगे जो 5 वाला इफेक्ट है, सॉरी यहाँ पर 4 वाला इफेक्ट को कम्प्लीट कर लिए। अब 5 वाला इफेक्ट को इसको लेना है, ठीक है। 5 वाला इफेक्ट को कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से कॉपी किया और बैक कर देंगे, ठीक है। बैक करने सॉन्ग बीट मार्क फिर से आ जाएंगे, सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद तो आपको फिर से वहीं पे आ जाना है यहाँ सर, ठीक है। यहाँ पर 14.19 तक आ जाना है, फोटो क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करके इसको भी पेस्ट पे कर देंगे, ठीक है। पेस्ट पे करने के बाद तो ये वाला इफेक्ट आपको कहाँ तक लगेगा, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ तक लगाना है 21.9 तक, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है 14.19 से और आपको यहाँ तक लगा देना है पूरा 21.09 तक। फिर आपको यहाँ पर दूसरा लिख रहा है, दूसरा ही फिर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लीजिएगा, फिर यहाँ पर तीसरा लगा लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर 24 लिख रहा है, 24.18 यहाँ प्लस क्लिक करके मीडिया पर जाकर यहाँ पर फोटो ले लेने हैं। फोटो लेने के बाद यहाँ पर फुल स्क्रीन में करके कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ से स्टार्ट करके लास्ट तक कौन सा इफेक्ट लगा बैक करके इफेक्ट में आके आपको जो लास्ट वाला इफेक्ट ये मिल रहा है, इस ये वाला इसको क्लिक करके इफेक्ट को क्लिक करके कॉपी कर लेना है, कॉपी करके बैक कर देना है। और सॉन्ग बीट मार्क में आके आपको यहाँ जो इफेक्ट लगाए यहाँ पे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करके पेस्ट पे कर दीजिएगा। ये दोस्तों ये लास्ट तक आपको कंप्लीट करना है, यहाँ से लेके 24.28 से लेकर 27.24 तक आपको लास्ट इफेक्ट मतलब इसी वाला इफेक्ट को कॉपी करके पेस्ट करते चले जाएगा। दोस्तों आपका वीडियो एकदम कम्फर्टली रेडी हो चुका है। आप देखिए क्या करिए, यहाँ पे आप सेल्फ में क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना, आपका वीडियो दोस्तों आप लोग गैलरी में सेट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से दूसरा सॉन्ग कमेंट कर दीजिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।